लुसेंट सामान्य ज्ञान, जो स्टूडेंट इसे हल्के में लेते हैं उन पे एग्जाम भारी पड़ सकता है। आखिर आप ही लोग बताइए कि अगर इस बुक में खासियत नहीं होती तो फिर क्यों ये 90% से ज़्यादा छात्रों को रूम में पढ़ा मिलता है। लुसेंट याद करने से पहले लुसेंट पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए, जो तरीका बताएंगे आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अगर आप मेरे बताए गए तरीकों को फॉलो करते हैं, अगर वो करते हैं जो हम बताते हैं, तो 99% नहीं 100% ये गारंटी है कि लुसेंट पढ़ने में आपको रुचि जगेगी और लुसेंट आपको एक एक चीज आपको याद होने लगेगा। और इस वीडियो में एक बात बताएं कि क्या आप लोग गलती करते हैं जब आप इस लुसेंट को पढ़ते हैं, तब क्या गलती आपसे होती है, तो चलिए इसको देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो होगा हमारा लुसेंट जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की जो लुसेंट की बुक आती है उससे एक संपूर्ण जानकारी कि क्या आप लोग गलतियां करते हैं और क्या उस गलतियों में सुधार किया जा सकता है ताकि 100% जो है टॉपिक लुसेंट का कवर किया जा सके। तो सबसे पहले आप लोग का डाउट होगा कि इस जीके को पढ़ने के बाद, इस लुसेंट किताब को पढ़ने के बाद हम कौन कौन सा ऐसा पोस्ट होगा जो हम भर सकते हैं और उसका हम तैयारी कर सकते हैं और वो हम निकाल सकते हैं। तो आपको बता दें कि ग्रुप सी लेवल का अगर आप तैयारी करते हैं, ग्रुप सी लेवल तक का, तो ये लुसेंट बुक जिसका हम परिचय आपको करवाते हैं, और आप में से बहुत कम ही ऐसे छात्र होंगे जो इस लुसेंट को नहीं पहचानते होंगे और इससे परिचित नहीं होंगे, ऐसे सभी छात्र इसको जानते हैं और सभी के पास ये उपलब्ध होता है। तो ये बुक है जो कि काफ़ी अच्छे से इसमें व्यवस्थित ढंग से सजाया गया हर एक बातों को, जो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और अच्छा लगता है, और एक नोट्स के तौर पर भी ये काम करता है। तो ये बुक आप लोग देखें। और आपको बता दें कि ये ग्रुप सी लेवल तक आप किसी भी एग्जाम को देते हैं, जैसे कि पुलिस का एग्जाम हो गया, दरोगा का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, फिर उसके बाद उधर जाइए एसएससी में जाइए तो एलडीसी से लेकर सीजीएल लेवल तक जिसमें भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में, लेखापाल हो गया, किसी भी एग्जाम में जिसमें पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करता है। एक नोट्स के तौर पर तैयार हो जाता है, स्टूडेंट का नोट्स माना जाता है लुसेंट बुक। तो इसका आप परिचय करवा दिए। और एक डाउट आप लोग का क्लियर करते हैं, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट के पास हो सकता है कि ये बुक अभी तक पढ़ा हो। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप शुरुआत किए हैं अभी तैयारी करना, या आप पढ़ते भी होंगे, तो हो सकता है आपके पास ये बुक होगा और या तो ये बुक होगा, ये तो ज़्यादा के पास होगा क्योंकि अपडेट रहते हैं सब। तो आप बोलिएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो बहुत ज़्यादा अंतर ये दोनों में, बताते हैं आपको कि इसमें क्या होता है ना। ये छोटे वाले जो लुसेंट आते थे पहले, ये तो बदल के अभी ये आता है तो मिलता भी नहीं है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास हम देखें कि अभी भी ये पढ़ा होता है, तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि ये हटाओ और ये लो। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे ऐसी त्रुटियां होती है जो उस समय की गई होंगी पब्लिकेशन के द्वारा, उसको सुधार करके इसमें डाला जाता है। और प्लस में एक और कारण है इसको हटाने का कि इसमें बहुत सारे डाटा जो होते हैं मिसिंग रहते हैं, डाटा पुराने हो चुके होते हैं, जिसको आप अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए हानिकारक होगा, आप एग्जाम में गलती करके आ जाएंगे। इसमें डाटा को सुधार के अपडेट दिया जाता है कि अभी क्या है। अब डाटा का बात कर लें तो डाटा कहाँ कहाँ मिलती है आपको, ज्योग्राफी में आप डाटा को देखेंगे, इकोनॉमिक्स में डाटा को देखेंगे, साइंस में डाटा को देखेंगे, कंप्यूटर में, हर चीज़ में डाटा जो अपडेट कर दिया था, कितने परसेंट कहाँ से क्या हो रहा है, जनसंख्या वगैरह सब चीज़ में अपडेट करके मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आप तैयारी करना आज से शुरू कर रहे हैं तो ये किताब आप लीजिए, उसके बाद तैयारी करिए। अगर हम अपना बता दें कि क्या है मेरे पास, तो देखिए आपकी, मेरे पास जो है ना 3-4-5 बुक है लुसेंट का, क्योंकि हम इसमें भी अपडेट करते हैं कि हर साल ये बुक जो है अपडेट होके आता है पब्लिकेशन के द्वारा। मोटाई सबकी सेम होती है, बुक सेम है, लेकिन ये अपडेट होके आता है और हमको लेना पड़ता है क्योंकि डाटा हमको जरूरी होता है पढ़ना। तो ऐसा नहीं है कि ये दुकान से खरीद के लाएँ, सब पढ़ा हुआ बुक है, ये सब पढ़ा हुआ है, तो ये सब बेकार हो चुका है क्योंकि ये ले लिए हैं। तो अभी हम वर्तमान समय में इसी का अध्ययन करते हैं। आप देख भी सकते हैं इसमें हम लिख भी दिए हैं 2020 का है, तो ये 2020 का है और वर्तमान समय में इसी का अध्ययन करते हैं क्योंकि इसमें डाटा सब अपडेट कर दिया गया। तो आपने समझा कि किस लेवल तक के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिन लोगों को लगता है कि लुसेंट इतना भी अच्छा नहीं है, उनको लगता होगा इसलिए क्योंकि वो पढ़े नहीं होंगे अच्छा से, और उनको लगता होगा कि नहीं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया, ऐसे बहुत अच्छा अच्छा बुक है। बुक का अगर हम बात कर लें, किताब की कमी दुनिया में नहीं है, अच्छे किताबों की कमी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल बढ़िया सबके पास क्यों ये उपलब्ध होता है, क्योंकि ये कॉमन किताब है, बहुत अच्छे से इसमें जानकारियाँ दी गई, सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। उसी को हम इस वीडियो में बताएंगे, किस तरह से आप पढ़िए कि लुसेंट कवर कर लिए और पूरा लुसेंट याद करने के बाद बैठिए कहीं भी एग्जाम में और किसी भी एग्जाम को आप जीके से कवर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ग्रुप सी लेवल तक। और अगर हम बात कर लें इस किताब से संबंधित, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो विषय सूची है इसको आप लोग को देखना पड़ेगा कि विषय सूची में किन सभी जानकारियों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे इतिहास, भूगोल, नागरिक,
संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेलकूद सबको संबंधित है जो हम टॉपिक यहाँ पे लिख लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इतिहास, भूगोल सब लिख लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि लुसेंट को क्यों पढ़ता है। तो लुसेंट खास करके ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और विविध के लिए ज़्यादा जाना जाता है। साइंस के लिए उतना लुसेंट नहीं जाना जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि साइंस इसमें खराब दिया गया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। लेकिन अगर आप डीप लेवल में जाते हैं, जैसे आप रेलवे में टेक्नीशियन जाते हैं, ALP में जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा साइंस न्यूमेरिकल टाइप से बना के थोड़ा डीप में पूछा जाता है। तो उसमें आप क्या करिएगा कि इसका साइंस का जो पोर्शन होता है ना, इसको आप एक अलग से सामान्य विज्ञान का बुक आता है किसका, लुसेंट का, उसको आप परचेज करके उसको पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छा से दिया गया है। तो नॉर्मल लेवल जो देखते हैं हम ये सब में, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत फायदा करेगा ये चीज़। देखिए आप यहाँ पे कि इसमें एक पोर्शन और जो विविध बहुत ही सुंदर तरीका से सजाया गया है लुसेंट में, ये चीज़ हम गौर किए हैं, विविध को बहुत ही अच्छे तरीका सजाया गया है और आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये सब देखिए आप, और अब चलिए हम बताते हैं आपको कि क्या आप ऐसा गलती करते हैं जिसके कारण आपका जो है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकल पाता है और आप बोर हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं पढ़ने में, लुसेंट आप उठा के रख देते हैं, नहीं पढ़ते हैं उसको। तो आपको बताते हैं हम, आप जब भी पढ़ने बैठते होंगे, मैक्सिमम विद्यार्थी ये गलती करते हैं, यहाँ तक कि हम भी करते थे जब हम बिगिनर्स थे, शुरुआत किए थे तो हमसे भी गलतियाँ होती थी इस प्रकार की, वही गलती का आपको नहीं करना है, अभी से सुधार लेना है और ज़्यादा वहाँ पे लाभ उठाना है इसका। तो आप क्या करते होंगे बताते हैं आपको गलती कि आप लुसेंट को उठाते होंगे, जैसे आपका आज पढ़ने का मन कर रहा है, आज बैठे आप GK पढ़ने के लिए, लुसेंट उठाए और आप ऐसे ऐसे किए और लुसेंट में देखे कि चलो ये टॉपिक ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है, यहाँ उठाए और यहाँ शुरू कर दिए कि चलिए भाई हम नादिर शाह के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, और ये पन्ना आप पूरा पढ़ लिए, ठीक है, इस तरह से आप उठाए और यहाँ से आप पूरा ये पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ लिए पूरा, याद किए 3-4 घंटा, पढ़ते रहे इसको, पढ़ते रहे 1 घंटा 2 घंटा जितना मन पूरा पढ़े, फिर उसको बंद करके रख दिया, आपको लगा उस दिन के लिए लगा कि चलो हमको संतुष्टि मिल गया, हम पढ़ लिए। कल आप बैठे फिर से पढ़ने के लिए उसी टाइम में, चाहे किसी भी टाइम में, फिर आप लुसेंट बुक उठाए, फिर आप ऐसे किए अंदाज तौर पर कोई भी टॉपिक निकला उसको आप निकाले और पढ़ने लगे, जैसे अफ्रीका है यहाँ पर, इसके बारे में पढ़ लिए पूरा, फिर रख दिए, फिर आप कल ऐसा ही किए। ये करने से बहुत बड़ी गलती आप करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं होता, लेकिन विश्वास अपने अंदर आपको नहीं जग पाता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आप परसों के आपको लगेगा, 3-4 दिन बाद, 6 दिन बाद आपको लगेगा कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा और हमसे हो नहीं पा रहा, क्या याद है क्या नहीं याद है हमसे नहीं रहो। मैक्सिमम विद्यार्थी को ये होता है, आप माने या ना माने, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाए, आज पता चला इतिहास पढ़ रहे हैं, कल भूगोल पढ़ रहे हैं, फिर अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, कहीं विज्ञान मन किया पढ़ लिए, कहीं विविध मन किया पढ़ लिए, कंप्यूटर उठा लिए, इस तरह से पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता। आपको इस तरह से पढ़ने में आप बोर हो जाएंगे और बहुत जल्दी आप इस बुक को अलग रख देंगे और दूसरा बुक खरीद के ले आएंगे आप। तो ऐसा नहीं करना है, हम आपको बताते हैं कि क्या करना है और क्या करने से आपका जो 100% आपको प्रॉफिट होगा, और नहीं होगा तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा 1 महीना बाद पढ़ने के, तो देखिएगा क्या होता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि बार बार खोलना है और कुछ भी पढ़ के रख देना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, यहाँ हम बात करते हैं कि करना क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक हमारा, इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आप लुसेंट उठाए हैं, जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आज से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम जिस भी टॉपिक को आप पसंद करते हैं, कोई दो टॉपिक आप उठाइए, किसी भी दो टॉपिक को आप उठाइए, उसको चूज करिए। चलिए मानते हैं कि आप इतिहास को लिए और भारतीय संविधान को, मतलब पॉलिटी को लिए, ठीक है, पॉलिटी को लिए और हिस्ट्री को लिए, दो सब्जेक्ट को आप अपने मन में रखिए और बाकी को आपको नज़र उठा के देखना भी नहीं है, नहीं देखना है, सिर्फ क्या, इतिहास और भारतीय संविधान, मतलब पॉलिटी को आपको देखना है। और ये दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको करीब करीब 20 दिन देना है, 20 दिन। ध्यान दीजिएगा, यही वो पॉइंट है जो आपका पढ़ने का तरीका बदल सकता है, आपका इंटरेस्ट जगा सकता है और आप 20 दिन बाद, 1 महीना 2 महीना बाद आपको लगेगा कि नहीं हम पढ़ते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि YouTube पे भी आप देखते होंगे, चाहे कहीं भी सोशल मीडिया पे, कि 25 दिन में लुसेंट जी के याद करें, 10 दिन में लुसेंट जी के याद करें, लुसेंट बुक को पूरा घोर के पी जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। 10-15 दिन में तो आप एक टॉपिक भी नहीं कवर कर पाइएगा अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो वो सब चीज़ पे ध्यान न दीजिएगा, तो हो सकता है कल होकर आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि पानी और चीनी के साथ लुसेंट बुक को घोल दें और पी जाएं, पूरा लुसेंट आपका हो जाएगा। तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बता रहे हैं आपको क्या करना होगा, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन A to Z आपके पास रहेगा लुसेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दो सब्जेक्ट को आप चुन लिए, इतिहास को चुने और अर्थ ये भारतीय संविधान को चुने, बाकी आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि वह है। 20 दिन तक आपको सिर्फ यही दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं।
अब किस तरह से पढ़ने हैं ये आप डिसाइड करिएगा, किस टाइम में पढ़ने हैं आप डिसाइड करिएगा। जब भी उठाएंगे तो हम इतिहास को उठाएंगे, या हमको मन भर गया उससे तो भारतीय संविधान को उठाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे, और सभी आपको बता दिए हम कि सूची यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, सभी को यहाँ विस्तार से दिया गया है, डिटेल से यहाँ बताया गया, ठीक है यहाँ तक। तो आप क्या किए, इतिहास को उठाए, इतिहास को अगर शुरू से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, या अगर आप पढ़ रहे हैं पहले से, तो आप अगर पढ़े हुए हैं इसको तो आप किसी भी तरीका से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बिगनर से तो खास करके ध्यान रखिएगा कि उठाइएगा शुरू से और इसको पढ़िएगा, पर रीडिंग डालिएगा आप, ठीक है कुछ नहीं समझ में आया, एक बार हम रीडिंग ही डालेंगे नहीं समझ में आया, लेकिन शुरू से करेंगे, कहीं से नहीं कि यहाँ से रीडिंग डालेंगे, गलत बात। यहाँ से उठाइएगा, इसको पढ़िएगा, फिर कल होकर इसको पढ़िएगा, फिर नहीं मन लग रहा तो पॉलिटी, दो सब्जेक्ट आपको दिए हम, ये पॉलिटी या हिस्ट्री, और ये दोनों को 20 दिन तक आपको कवर करना है, पढ़ना है इसको, रोज पढ़ना टॉपिक बाय टॉपिक, ये नहीं कि जहाँ तहाँ, इसको भी जहाँ तहाँ से नहीं पढ़ना है। जैसे अगर वैदिक सभ्यता उठाया तो वैदिक सभ्यता ही आज हम पढ़ेंगे, चाहे उसमें 4 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, कुछ भी लगे, यही पढ़ेंगे, ठीक है मानते हैं याद नहीं हो रहा, लेकिन होगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन हम इसी को पढ़ेंगे, और ये पढ़े फिर पॉलिटी पढ़े, फिर ये पढ़े फिर पॉलिटी पढ़े, इस तरह से 20 दिन आप करिएगा। उसके बाद आप फिर 2 सब्जेक्ट उठाइएगा आपको जो मन करे, ये खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होगा आपसे, हम जान रहे हैं कि आपसे खत्म नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा बात देखिए क्या होता है कॉन्फिडेंस का होता है, अगर आपका आपके अंदर एक है दृढ़ संकल्प कि नहीं हम कर रहे हैं और हमको अच्छा लग रहा है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा दूर तक खींच के लेके जाएगा, और जो पलट पलट के पढ़ लेते हैं कहीं से वो ज़्यादा देर तक आप नहीं कर पाएंगे, बस 10 दिन का वो खेल रहता है उसका इंटरेस्ट खत्म होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि हम क्या पढ़े, क्या याद है हमको, कोई पूछ देता है घबराता है कि नहीं हम नहीं पढ़े हैं ये टॉपिक, जबकि आप पढ़े थे, आपको लगेगा नहीं पढ़े, लेकिन आप ऐसे पढ़िएगा ना कि 20 दिन तक सिर्फ आप इसको इसको, तो एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि नहीं हम ये दोनों टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं और हमको अच्छा से समझ, क्योंकि कॉम्बिनेशन जब बनते रहता है ना जीके में तो याद ज़्यादा तौर पर होता है। तो ये काम आप करिएगा 20 दिन तक, इसको आज से ही उठाइए, आज से कोई भी चैप्टर आप जो भी मन करे, आपका भूगोल मन कर रहा है, विज्ञान मन कर रहा है, संविधान मन कर रहा है, जो मन कर रहा है उठाइए, लेकिन हम बताते हैं कि पहले हिस्ट्री और पॉलिटी उठाइएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में, और ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं। 20 दिन तक आप इसको पढ़े, चलिए 20 दिन हो गया, खत्म हो गया, आपको मानते हैं नहीं हुआ जानकारी, रीडिंग दिए ना, आप सब चीज़ समझे ना, अच्छा से आप समझेगी, ये गारंटी है, आप उसको समझिएगा जरूर कि क्या क्या टॉपिक मेंशन कर रहा है। और अगर आप पहले से 1-2 बार पढ़ रखे हैं लूसेंट, तो आपके लिए तो इतना ईजी हो जाएगा जिसका बताया नहीं जा सकता। हम भी शुरू में जब वो गलती करते थे तो उसको सुधार के जब हम ऐसे किए तो मैक्सिमम पार्ट, ये तो नहीं कह सकते कि पूरा लूसेंट हमको याद हो गया, ये किसी को नहीं होता है जो बोलता है झूठ बोलता है, क्योंकि ऐसा बोलने का मतलब कि एक शब्द हमको याद हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न अगर लूसेंट से आ गए तो हमको ये लगता है हम जो बना लेते हैं उसको वो बन जाता है हमसे, तो ये चीज़ होता है पढ़ने के बाद ऐसा, उस तरह से पढ़िएगा तब, और जहाँ तहाँ से पढ़िएगा तो कभी आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रश्न लूसेंट से हैं या स्पीडी से हैं या कौन किताब से हैं, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये खत्म हो गया, फिर आप सोचिए कि आप शुरू किया अर्थव्यवस्था, शुरू किया भूगोल को पकड़े, 20 दिन तक इसको पढ़े, ये दोनों पढ़ लिया, और उसके बीच में कभी टाइम मिले तो फिर इतिहास को भी हम रिवीजन कर लिए, भारतीय संविधान को भी रिवीजन कर लिए, नोट्स है तो उससे पढ़ लिए, और सर से पढ़ लिए, सेट तो आप मारते ही होंगे, तो इस तरह से कवर होते जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप कभी नहीं छोड़िएगा कि इसको पढ़ना आप छोड़ दीजिएगा कि नहीं हम पढ़ना छोड़ दिया इतिहास नहीं, हम ये पढ़ रहे हैं, 20 दिन तक कवर, फिर भूगोल या विज्ञान उठाइए, फिर हो गया ये तो विविध को उठा लीजिए, फिर हो गया खेलकूद, कंप्यूटर, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं। मेन रूप से यहाँ पे इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और विज्ञान, ये 4 जो है 5 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे और ज़्यादा बड़ा भी है, खास करके इतिहास तो और ज़्यादा बड़ा, तो उसको समझिएगा, इसमें अच्छे ढंग से दिया गया है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास अंदर कॉन्फिडेंस जो आएगा ना, उसके बाद आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, और कहीं भी सेट में आपको क्वेश्चन जब मिलेगा, जब आप कहीं सेट माने जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे, तो लगेगा कि ये लूसेंट का क्वेश्चन हमको याद है कि ये लूसेंट का क्वेश्चन है। और बता दें कि आप किसी भी एग्जाम में जिसमें जीके जीएस पूछते हैं उससे आप जाके देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो देख लीजिए, कम से कम 70% प्लस क्वेश्चन लूसेंट से आते हैं, ये बात आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन 70% प्लस ही क्वेश्चन लूसेंट से पूछे जाते हैं जीके के, आप उठा के देखिए, आप खोज के देखिएगा, आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये भरोसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि पढ़ते नहीं हैं इसको लोग, और जो इसको पूरा कवर कर लेते हैं उनसे जाके पूछिए कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लूसेंट पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, साइड से कुछ और भी आपको रखने पड़ेंगे ताकि उससे आपको हेल्प होते रहे, और लूसेंट भी काफ़ी हेल्प करेगा आपका इस चीज़ को पढ़ने। और अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोग को हम बता देते हैं जो हम करते हैं और आप लोग को भी करना चाहिए, हो सकता है आप लोग करते भी होंगे, कि आप लोग के पास 2 हथियार होने चाहिए, अगर आपको लूसेंट किताब को हराना है और एग्ज़ाम में जीत हासिल करना है तो आपके पास 2 हथियार होने चाहिए। एक आपके पास
हाइलाइटर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, और साथ में अगर आप कॉपी रखते हैं तो वो भी ज़्यादा बेस्ट होगा। तो तीन हथियार हो गए आपके पास, एक हाइलाइटर को आप रखिएगा अपने पास। इससे क्या होगा कि जो भी शब्द आपको अच्छे लगेंगे, जो आपको महत्वपूर्ण लगेंगे, सबको नहीं रंग डालना है। एक मेरे मित्र थे, वो पूरे किताब को ही रंग डाले थे हाइलाइटर से, पूरे उसको पीला कर दिए। तो ऐसा भी नहीं करना, उससे क्या होगा किताब बेकार हो जाएगा और कभी नहीं पढ़ पाएंगे। हाइलाइटर का प्रयोग होता है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको सिर्फ रंगना है और उसको फिर बाद में देखना है, छोड़ने देना है। और एक पेन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, खास करके हम रेड पेन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका तरंगदैर्ध ज़्यादा होता है, तो ये भी एक हाइलाइटर का ही प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, जैसे अगर आप हिस्ट्री खोलते हैं, ठीक है, आप अगर हिस्ट्री खोले, फर्स्ट पेज खोले, तो आपको अगर ये अच्छा लगा, यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा, जैसे ये पूरा सेंटेंस आपको अच्छा लगा, इसको लगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी प्रीवियस ईयर से खेला मत करिएगा। प्रीवियस ईयर को हमेशा अपने पास रखिएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पहले का जो क्वेश्चन है उसको पास में रखिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए। उसके बाद जब किताब पढ़िएगा तो आपको जैसे ही क्वेश्चन नजर आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो क्वेश्चन पूछा था, और तब आपको ज़्यादा याद होगा, वो जोर पड़ेगा तो ज़्यादा याद होगा। जैसे अगर ये सब सेंटेंस अच्छा लगा तो इसको हम ऐसे करके रंग दिए, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर रंग दिए तो ये अच्छा लगा, ठीक है। क्यों रंगे? अभी पढ़ने के लिए नहीं, अभी तो इसको दो तीन बार हम पढ़ ही लिए सेंटेंस को, फिर रख दिए। कभी किताब ऐसे उल्टे तो देखे कि हाँ ये रंगा हुआ था, तो इसको एक बार हम और देख लिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि वो चीज़ जल्दी आपके नज़र के सामने आते रहेगा। तो सेंटेंस को रंगने के लिए क्या करिए, पेन का प्रयोग करिए, किसी भी पेन का कर सकते हैं आप। और उसके बाद अगर कोई शब्द अच्छा लगा, जैसे यहाँ पर क्रिस्टोफ सेलियस लिखा हुआ तो ये अच्छा लगा, तो इसको हम ऐसे करके कलर कर दिए। तो ये क्या हुआ कि कलर हो गया छोटा छोटा पार्ट। तो हम खास करके इसी तरह से पढ़ते हैं। देखिए आप, मेरा जो नोट्स है, खास करके मेरा नोट्स ही है, हम अलग से कोई नोट्स नहीं बनाते हैं इसका। तो हम खास करके इसी तरह से पढ़ते हैं कि जहाँ तहाँ इसको पेन से भी करते हैं और कभी कभी इसको हम इससे भी कलर करते रहते हैं। तो दोनों का प्रयोग करते हैं। और ज़्यादा अगर अच्छा लग गया, ज़्यादा सेंटेंस अगर अच्छा लग गया, तो अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा लग रहा, आपको जो चीज़ याद नहीं हुआ इसमें, लगा कि नहीं ये टफ है और एग्जाम में आ सकता है, तो उसको कॉपी में नोट करिए, कॉपी में तुरंत लिख लीजिए। नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना बड़ा किताब है उतना बड़ा आपका नोट्स है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा नोट्स हो, काफ़ी कम उसमें संख्या लिखिएगा, क्योंकि सब बात तो इसमें है ही, उसमें वही लिखिए जो आपको याद नहीं हो रहा, टफ है, ताकि नोट्स उठाएं तो बस उसको एक बार में हम क्लियर कर सकें। तो ये सभी पॉइंट को आप समझिए कि किस तरह से जो है पढ़ना है इसको, और आपको इसको कवर करना है। तो 20 दिन का जो फॉर्मूला है उसको आप जरूर याद रखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये देख सकते हैं आपके इतिहास में जो है, प्राचीन इतिहास दिया गया है, मध्यकालीन, आधुनिक, तो ये जानते भी होंगे आप। और आप उसका जो है विषय सूची आप जब देखेंगे, ये विषय सूची जो दिया गया है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं उसमें क्या क्या है। तो ये सब बातें जो है भूगोल में भी, भारत विश्व का देखिएगा, तो आप जब पढ़िएगा 20 दिन का फॉर्मूला जब आप लगाइएगा उसमें, तो आपका सभी पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे और पढ़ने में बहुत मज़ा आने लगेगा। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, जो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम बताते हैं आपको कि अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई है, हम बहुत ज़्यादा अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप एक काम करिए, मेरे चैनल पे जाइए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरा चैनल है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें हम इतिहास और भारतीय संविधान से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि NCERT पर बेस्ड हैं। और ये बुक भी आपको, लुसेंट जो बुक है ये भी NCERT पर बेस्ड है, तो उससे कम्बिनेशन बना के पढ़िएगा। उसमें हम बहुत अच्छे से आसान तरीके से आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं, तो उसको देखने के बाद तब आपकी बीमारी पक्का ठीक हो जाएगी। और जब वो वीडियो देखिएगा तो लुसेंट किताब को सामने रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है जो है उसमें लुसेंट से मैच करेगी, तो ज़्यादा आपको याद होगा और भी आसान हो जाएगा आपके पास पढ़ना, आपके लिए पढ़ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, इतना ज़्यादा आपको बताए और ये चीज़ आपको इतना फ़ायदा करेगा कि आप बता नहीं सकते हैं। आप इसका जो कमेंट आप वीडियो पर करिएगा, एक महीना बाद जब आप पढ़िएगा तो इस वीडियो पर कमेंट करिएगा और बताइएगा कितना इफेक्टिव ये वीडियो आपके लिए रहा है। और अगर अभी भी दिक्कत है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा किस तरह से तैयारी करना है, लुसेंट को किस तरह से पढ़ना है, लुसेंट को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं। और जब एक बार आपका लुसेंट अपना हो जाएगा ना, उसके बाद देखिएगा GK GS में इतना अच्छा पकड़ बन जाएगा, फिर किसी भी बुक को आप उठाएंगे तो तुरंत वो आपका कवर हो जाएगा। ये बेस है, इसमें बहुत अच्छे से तरीके से सभी पॉइंट्स को सजाया गया है, बहुत अच्छा ये नोट्स है। आप कॉमेंट में अगर बताना चाहें तो आप बता दीजिएगा कि हम लुसेंट का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उस पर हम स्पेशल वीडियो भी ला सकते हैं। आप बताइए, कमेंट करिएगा, तो हम लाएंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ें, किस तरीका से, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सब चीज़ बता देंगे तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो इतिहास को कैसे पढ़ें, भूगोल को कैसे पढ़ें, भारतीय संविधान को कैसे पढ़ें, सबका अलग अलग वीडियो और बहुत ही अच्छे तरीके से लुसेंट का, तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बना देंगे उस पर वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, और हमसे जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।